अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार कैसे हो सब, उम्मीद करता हूँ कि ठीक हो गए। तो यार आज जो दिन है वो है संडे का दिन है, सही है। और आज जो तारीख है वो है 14 तारीख मई का महीना और 2023 चल रहा है, सही है। और आज मेरे तकरीबन आज तक मेरे टोटल अभी तकरीबन 3 पेपर हुए हैं और मेरे अभी 4 पेपर बाकी हैं, सही है। दैन उसके बाद मैं फ्री हूँ और डेली वीडियोस आएंगे इंशाल्लाह, सही है। तो खैर आज संडे का दिन है और कल मेरा है मंडे के दिन, कल मेरा है मैथ का पेपर, सही है। तो खैर तैयारी ऑलमोस्ट तो कंप्लीट है, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो भी बना लूँ, सही है। ओके तो खैर फिलहाल अभी मेरा जो लास्ट पेपर है वो है 31 मई को, सही है। उसके बाद इंशाल्लाह डेली वीडियोस आएंगे, सही है। और पूरी उम्मीद है कि मैं अच्छा अच्छा कॉन्टेंट आएगा और अच्छे प्लान के साथ आऊँगा इंशाल्लाह वहाँ, सही है। तो खैर फिलहाल अभी जब तक छोटे मोटे ब्लॉग बनाता रहूँगा और अपलोड करने का टाइम मिला तो कर दूँगा, नहीं तो फिर जब फ्री हो जाऊँगा तब भी कर दूँगा। और आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले हारून ट्रेडर्स की सेकेंड ब्रांच ओपन हुई थी। इसको नहीं पता कि हारून ट्रेडर्स क्या है, लेट्स एक्सप्लेन। हारून ट्रेडर बेसिकली लैपटॉप की शॉप है, सही है, जहाँ पे आपको हर तरह के लैपटॉप अच्छी कीमत में मिल जाते हैं। हारून ट्रेडर्स की एक ब्रांच सदर ऑडियन मार्केट में थी और दूसरी ब्रांच खुली है आई चंडीगढ़ रोड टेक्नो मॉल में। इनके लैपटॉप की खासियत बात यह है कि इनके लैपटॉप लोकल यूज़ नहीं होते हैं, सही है। इनके लैपटॉप डायरेक्ट बाहर से आते हैं और नॉर्मल पाकिस्तान में सेल होते हैं। वैसे 80% लोग जो पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं वो करते हैं लोकल सेल। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा और बजट वाले लैपटॉप मिले तो आप हारून ट्रेडर्स में ज़रूर विज़िट करिएगा और अभी इसकी वीडियो मुलाहिदा करना। तो अभी मैं टेक्नो सिटी में मौजूद हूँ, सही है। यहाँ पे ऑफिस की सेकंड ब्रांच ओपन हो रही है, अल्लाह का शुक्र है, ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया, सही है। अभी यहाँ पे लैपटॉप वगैरह आ जाएंगे, सही है, तो फिर लैपटॉप लग जाएंगे, फिर लैपटॉप की सेटिंग करनी आ जाएंगे, सही है। तो फिर उसके बाद मैं निकलूँगा, सही है, क्योंकि मुझे जाना है कोचिंग, सही है। टेक्नो सिटी भी बहुत बड़ा है, कभी आपको इसकी वीडियो बना के दिखाऊँगा। तो खैर अभी फिर वेट करते हैं, माल आता है, इसको सेटिंग से लगाते हैं, सही है, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कैसा लुक आ रहा है। يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله। तो यार आपको एक छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मिलते हैं कोई दूसरे ब्लॉग में किसी और दिन। La 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 la